तो कृषि से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको सारा का सारा बता दिया हूँ। ये सारा का फैक्ट जो यहाँ पर देखने मिल रहा है, इसमें मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, मध्य प्रदेश में कुल सोयाबीन, कुल तिलहन और कुल दलहन उत्पादन पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आता है। इसके लिए कृषि कर्मण अवार्ड आपको कई बार मिल चुका है, मध्य प्रदेश को लगभग 9 बार कृषि कर्मण अवार्ड यहाँ पर दिया जा चुका है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा जूट के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान देखने मिलेगा। इसके अलावा काजू की खेती यदि आप बात करेंगे तो आपको केरल कर्नाटक में काजू नारियल की खेती आपको देखने मिल जाएगी सर्वाधिक मात्रा में। केरल के कासरगोड में जो है नारियल अनुसंधान केंद्र है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू मैंने जैसे कि बता दिया, आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं की अगर बात करें तो संपूर्ण उत्तर भारत का मैदान जहां पर गेहूं की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, जिसमें यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का फसल होता है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब राज्य पहले स्थान पर है, लेकिन यदि आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र है, गन्ना की फसल के लिए भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर माना जाता है। आलू, आलू उत्पादन में भी पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा मूंगफली की अगर बात करें तो मैंने बताया जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास और मूंगफली की खेती सर्वाधिक होती है, गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, प्लस उत्तरी महाराष्ट्र में भी आपको देखने मिल जाएगी। इसके अलावा जो कुछ केसर की बात मैंने किया था, केसर उत्पादन या सेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर इसका टिक लगा लेना या लद्दाख, दो में से एक आपको आ जाएगा, यदि दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो आपको जम्मू कश्मीर को उसमें टिक कर देना है। जैविक कृषि की मैंने बात किया था, जैविक कृषि आप देख सकते हैं कि कहां पर सिक्किम एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जैविक कृषि की जाती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट की यदि आप बात करेंगे तो यहां पर चाय की खेती सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा चाय, कॉफी, बाजरा, रबर, इलायची इधर पर मणिपुर में थोड़ा सा देखने मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आलू, जूट, ये जो यानी बंगाल से सटे जो क्षेत्र है भारत के उसमें आप समझ लेना की जूट का उत्पादन होगा ही होगा। चावल उत्पादन में ये जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड क्षेत्र है जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपको चावल की खेती सर्वाधिक मात्रा में देखने मिल जाएगी। इसके अलावा जो है कुछ क्रांतियां हैं, वो क्रांति में आपको बता दिया हूँ, इतनी सारी क्रांति जिनसे जो है भारत में फसल का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है क्रांति चलाई गई भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, उनको अलग अलग नाम दिया गया, जैसे पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरी क्रांति, ठीक है, गोल्डन फाइबर, ठीक है, ये अन्य जो इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है, बहुत सारी क्रांति है, उनका मैंने नाम आपको बता दिया था, आपको याद करा दिया था। जैसे आप सेफ्रॉन की बात करेंगे तो सेफ्रॉन का बात करेंगे तो केसर के उत्पादन में सेफ्रॉन क्रांति का चलाया गया था। स्लेटी क्रांति की बात करेंगे तो सीमेंट के उत्पादन के लिए, गोल्डन फाइबर की बात करेंगे तो जूट उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो झींगा उत्पादन के लिए, गोल क्रांति की बात करेंगे आलू उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडे उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति जो है मसाले उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो दुग्ध उत्पादन के लिए, इसके अलावा हरित क्रांति की बात करेंगे गेहूं उत्पादन के लिए। सन 1867-68 में एमएस स्वामीनाथन नायक, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, भारत बहुत भारत में क्या हुआ था, सूखा पड़ा था, इस वजह से भारत में भूखमरी की समस्या बढ़ चुकी थी। इसी तरह से सरकार ने चाहा कि किसी भी हालत में भारत में कृषि में सुधार की जाए और हरित क्रांति चलाई गई 1966-67 में। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं की फसल पर पड़ा और तब से लेकर के गेहूं की फसल में और अन्य फसल पर भी पड़ा, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पड़ा, इसीलिए जो है गेहूं के फसल को हम इसमें हरित क्रांति में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अमृत क्रांति की बात करेंगे तो नदियों को जोड़ने के लिए, दो नदियों को जोड़ने के लिए ताकि सिंचाई अच्छे से की जा सके, घर घर पानी पहुंचाया जा सके, सिंचित एरिया को बढ़ाया जा सके, इसीलिए नदी जोड़ो परियोजना में
अमृत क्रांति लाई गई। ठीक है, अभी आप भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना में आप देखे होंगे केन बेतवा नदी को लिंक किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। केन बेतवा आप तो जानते हैं ना, केन नदी और बेतवा नदी, मैं आपको नदियों में पढ़ाया भी हूँ और एमपी की जब नदियां पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, कृष्ण क्रांति की अगर बात करें तो बायोडीजल उत्पादन के लिए बढ़ावा के लिए, ठीक है, तो कृष्ण नाम का लड़का ही डीजल डाल करके गाड़ी चलाएगा, तो कृष्ण डीजल जो है बायो है। इसके अलावा सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन के लिए, सिल्वर क्रांति जो है फाइबर या कपास उत्पादन के लिए, सिल्वर का कलर कपास जैसे होता है तो कपास उत्पादन के लिए, जूट का कलर गोल्डन जैसे होता है तो गोल्डन फाइबर जूट के उत्पादन के लिए। इसके अलावा मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, पीली तिलहन नीली मछली, पीली तिलहन नीली मछली, लाल मांस गुलाबी झुंगा है, गोल आलू में राज अंडे हैं, बादामी मसाले हैं। इतने में तो ये खत्म हो गया, पीली तिलहन नीली मछली, लाल मांस गुलाबी झुंगा है, पीली तिलहन नीली मछली, लाल मांस गुलाबी झींगा है, गोल आलू में रज अंडे हैं। तो देखिए गोल आलू में रज अंडे हैं, गोल आलू में रज अंडे हैं, बादामी मसाले हैं, बादामी मसाले हैं। हमारे सर थे संतोष रहांगडाले सर, अभी बालाघाट में कोचिंग लेते हैं, सन 2016-17 में उन्होंने हमको यही ट्रिक बताई थी जिससे मैं ये सारा कुछ याद रखा हुआ था। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आने वाले क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद।